दोस्तों कैसे हो आप सब, और स्वागत है आपका मेरे चैनल एडी रूट्स में। तो यार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज है मेरे पास यहाँ पर रेडमी 9A का ग्लोबल वेरिएंट। तो चलिए दोस्तों इसकी हम आज अनबॉक्सिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये यहाँ पर खुलते ही कुछ इस प्रकार से आपको रेडमी 9A देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों इसको मैंने खोल दिया है। तो मैं आपको दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि इसमें सिर्फ आपको एक ही वेरिएंट यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि है 2GB रैम 32GB रोम के साथ। तो आपको इसमें दोस्तों 32GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी। तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी इसके 3 कलर वेरिएशंस। तो चलिए दोस्तों इसको मैं खोलता हूँ। सबसे पहले आपको यहां पर रेडमी 9A रखा हुआ मिलेगा। चलिए दोस्तों इसको वरे निकाल लेता हूँ मैं बॉक्स से। तो कुछ इसके स्पेसिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर हाईलाइट की गई है, जैसे कि 6.5 इंच की यहाँ पर HD ड्रॉप डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 5000 mAh की बैटरी और हीलियो G25 का यहाँ पर प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको 13 MP का बैक कैमरा देखने को मिलेगा दोस्तों। और डिज़ाइन दोस्तों ठीक ठाक है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों थोड़ा डिज़ाइन में यहाँ पर लोचा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर डिज़ाइन अच्छा भी आपको बैक में दिया गया है। साथ में दोस्तों रेडमी की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। चलिए दोस्तों इसको मैं बूट करने के लिए रख लेता हूँ और देखते हैं कि बॉक्स में नीचे क्या रखा है। दोस्तों जैसे ही आप बॉक्स में सबसे पहले खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल देखने को दोस्तों मिल जाएगा। और इसमें अंदर आपको थोड़े डॉक्यूमेंटेशंस यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये हमारे किसी काम की नहीं। तो चलिए दोस्तों इसको करता हूँ साइड में। तो आती है यहाँ पर बात दोस्तों चार्जर की। तो जो चार्जर है आपको दोस्तों वो 10W का इसी बॉक्स में आपको देखने को दोस्तों मिल जाएगा। दोस्तों एक नॉर्मल चार्जर है, लेकिन दोस्तों अच्छा है क्योंकि इसका प्राइस भी दोस्तों फ़ोन का उतना ही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं डाटा केबल की यहाँ पर। तो इसमें आपको टाइप सी देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे टाइप सी आपको दोस्तों मिल भी नहीं सकती, तो इतना इसमें काफ़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर फोन हो चुका है हमारा बूट। तो चलिए दोस्तों इसको मैं निकाल लेता हूँ और ये देख सकते हैं दोस्तों आप MIUI 12 यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स आपको प्रोवाइड किया गया है। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है इस फ़ोन में यार दोस्तों, क्योंकि ये बहुत चीप प्राइस का फ़ोन है, तो बेसिक बजट लेवल का है दोस्तों ये। तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों MIUI 12 यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें ऊपर की साइड। यहाँ पर 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको प्रोवाइड किया गया है। साइड में दोस्तों सिम यहाँ पर आपकी लग जाएगी। साथ में नीचे दोस्तों माइक और स्पीकर और साथ में चार्जिंग पोर्ट आपको प्रोवाइड किया गया है। साइड में दोस्तों आपको यहाँ पर बटन्स देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों ऊपर आपको एक कैमरा 5 MP का कम है दोस्तों, लेकिन इसके हिसाब से काफ़ी है। और पीछे एक फ्लैश देखने को मिल जाएगी। 13 MP का कैमरा तो मिल ही रहा है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। आपका प्यारा सा फिंगरप्रिंट सेंसर इस फ़ोन में नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये एक बजट लेवल का फ़ोन है। तो चलिए यार दोस्तों इसके लिए इतना ही। अब देखते हैं कुछ इसके की फ़ीचर्स। तो दोस्तों इसमें MIUI 12 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। और दोस्तों काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, देख सकते हैं आप दोस्तों। अगर आप राइट से स्वाइप करोगे तो इस तरीके से आपको सारी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों MIUI 12 मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को लग रहा है। अभी तक यहाँ पर मेरे Redmi Note 7 Pro में भी नहीं पहुँचा है मेरे लिए ये, तो काफ़ी जल्दी आ जाएगा दोस्तों। लेकिन इसमें यहाँ से पहले से ही प्रोवाइड किया गया है। अगर आप दोस्तों लेफ़्ट से स्वाइप करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर अबाउट फ़ोन में, तो आपको यहाँ पर 11.5 GB ऑक्यूपाइड देखने को मिलता है 32 GB में से, क्योंकि दोस्तों इसमें MIUI 12 पहले से इंस्टॉल है। दोस्तों इसमें आपको साथ ही साथ जून लेवल का सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो यार दोस्तों कैमरा खुलने में यहाँ पर थोड़ा टाइम लग गया है आप देख सकते हैं, लेकिन ओपन करते ही यहाँ पर थोड़ी बहुत सेटिंग करने को मिली। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सारी ऑप्शन देखने को मिल जाती है HDR वगैरह। और इसमें दोस्तों आपको बता दूं मैं AI फीचर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं इसके कुछ सैंपल्स यहाँ पर। तो दोस्तों फर्स्ट सैंपल है यहाँ पर एक ये फ्लावर है, और काफ़ी अच्छी लाइटिंग कंडीशन है यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छे से दोस्तों यहाँ पर लाइट में ये आपका 13 MP आपको फ़ोटो खींच के दे देगा। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर नाइट में कोई फ़ोटो लेने जाओगे तो वो एकदम बेकार सी आएगी, क्योंकि 13 MP है और ऊपर से ये बजट रेंज का स्मार्टफोन है, तो कुछ काफ़ी खास कैमरा नहीं है इसका। लेकिन दोस्तों डिसेंट आपको देखने को यहाँ पर
कैमरा इसका मिल जाएगा। रही दोस्तों प्राइस की बात, तो यहाँ पर आपको 6 से 7 हज़ार के बीच इसकी प्राइस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही यार, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, और देखते रहिए मेरी ऐसी ऐसी नई वीडियो।